नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं एएच न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। डीसीपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह आईपीएस ने मीडिया से खिताब करते हुए 5 मुजरिम को किया गिरफ्तार जो बालापुर कत्ल में मुलविस थे। बालापुर में सैयद मोमिन अली 24 साला नौजवान को 5 जनों ने मिलकर कत्ल कर दिया और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आइए आगे की तफसीलात सुनते हैं। एलबी नगर डीसीपी सनप्रीत सिंह जो मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहते हैं। इस महीने 22 और 23 की रात को बालापुर में वादी मुस्तफ़ा एरिया में एक बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्डर हुआ, जिसमें जो मरने वाला है उनका नाम मोमिन है। एक्चुअली रात को 12:45 के बीच में मोमिन और खालिद दोनों लड़के एक फरहान जो आदमी है उसके घर से निकले एक स्कूटी के ऊपर। घर से थोड़ा दूर आगे गए तो वहाँ पे अंधेरे में कुछ लोग बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लोग पहुँचे थे उनके ऊपर तलवार से चाकू से हमला कर दिया और उसमें मोमिन को जो स्कूटी चला रहा था उसका बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई। जो खाली जो पीछे बैठा था उधर से डर के भाग गया, बाद में मोमिन की वहाँ पर डेथ हो गई। तो इस केस में इमिडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। तो इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा कि ये दोनों लोग जो फरहान के पास काम करते थे, फरहान जो रियल एस्टेट का उधर धंधा करता था, काम करता था, तो उसमें बेसिकली एक परवेज जो अभी हम एक्यूज A1 के तौर पे उसको अरेस्ट किया गया है, परवेज ने साल पहले उसको 9 लाख रुपये अमाउंट दिया था इन्वेस्टमेंट के वास्ते। उसने उसको प्रॉमिस किया था इसको इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस आएगा अच्छे रिटर्न के साथ, वो पैसा वापस नहीं हुआ। कई बार पैसा वापस मांगने गया तो लास्ट में उसको डरा के भगा दिया कि पैसा वापस नहीं मिलता, ऐसा मालूम है हमारी तफ्तीश में। तो इसकी वजह से परवेज ने एक A2 जो सैप है उसके साथ मिलके ये पूरा प्लानिंग किया। तो इसमें इन लोगों ने बाकियों को भी साथ में लिया। उनके नाम है A1 तो मोहम्मद परवेज है, A2 जो है शेख उस्मान अलिया सैफ है, ये आसिफ नगर का रहने वाला है। बाकी के जो एक्यूज हैं उनमें एक मोहम्मद मज़र है, मोहम्मद रशीद है और मोहम्मद अकरम है। तो इन सब ने मिलकर प्लान बनाया कि फरहान के ऊपर अटैक करेंगे, उसको मार देंगे क्योंकि पैसा वापस नहीं आया है। और परवेज ने इन लोगों को प्रॉमिस किया कि तुम लोगों को 2 लाख रुपये मैं दे देता हूँ। तो प्लानिंग के तहत इन्होंने एक महीना पहले सिटी में जाके ये चाकू और तलवारें खरीदी और उस दिन मर्डर के दिन भी इन लोगों ने परवेज ने स्पेशली इन लोगों को बताया कि इस टाइम पे फरहान घर से बाहर निकलेगा और ये व्हीकल होगा, ये कपड़े होंगे, सारा कुछ डिटेल्स बताए। और बदकिस्मती से उस टाइम पे फरहान की जगह पे ये जो बनने वाला मोमिन है ये घर से बाहर निकला उसी टाइम में, मोमिन और खालिद, इनके कपड़े भी वैसे ही डाले हुए थे जैसा डिस्क्रिप्शन परवेज ने इनको फरहान के बारे में बताया। तो घर से जैसे ही लोग थोड़ी दूर निकले वहाँ पे अंधेरा था, अंधेरों में इन लोगों ने डायरेक्टली इनके ऊपर अटैक कर दिया बिना कोई बात की और इसमें इसकी डेथ हो गई मोमिन की। अभी आज ये 5 एक्यूज जो है इनको पकड़ लिया गया है, इनको कस्टडी में ले लिया है और इनको भी कोर्ट में पेश कर दिया। और इतना घिनौने तरीके से इन लोगों ने मर्डर को अंजाम दिया है तो उसकी वजह से इनके ऊपर PD Act भी लगाया जाएगा। बेसिकली इसमें जो इन लोगों के जो माँ बाप हैं और जनरली जो भी बाशिंदे हैं इलाके के उनको हम गुजारिश करते हैं क्योंकि सारे बच्चे देखेंगे सारे 19, 20 और 21 साल तक ऐसी इनकी उम्र है जिस उम्र में इनको पढ़ना लिखना चाहिए, कोई नौकरी की आगे तलाश करनी चाहिए। ये लोग सारे क्राइम्स में पड़े हुए हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री इनका सबका है। इसमें आप देखेंगे सैफ के ऊपर इससे पहले 15 केस बुक हुए हैं चोरी के, वो जेल भी जाके आ चुका है। मज़र के ऊपर 3 केस है चोरी के, वो भी पहले जेल जाकर आ चुका है। और अकरम के ऊपर 1 केस है मारपीट का, वो भी जेल जाकर आ चुका है। तो इसी एज में इन लोगों का सारे का क्राइम रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है। और पेरेंट्स अगर थोड़ा अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, किसके कहां पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, तो थोड़ा ये क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों को थोड़ा पढ़ाई के ऊपर फोकस करने के लिए बताया जाए तो वो लोग भी आगे अपना फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और ऐसे सारे जो वाक्य हैं ये सब भी अवॉइड किए जा सकते हैं।
गैरिंग को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एसीपी वनस्थली पुरम शंकर ने इसमें लीड किया और उनके साथ में बालापुर इंस्पेक्टर भास्कर और एडिशनल इंस्पेक्टर देवेंद्र और साथ में जो हमारे बाकी के वहाँ पे जो एसआई है मधु विनय नागराजू इन लोगों ने और साथ में कॉन्स्टेबल्स श्रीधर मल्लेश और राघव इन सब ने बहुत ही अच्छा काम किया। इन सबको हम रिवार्डिंग से सम्मानित कुछ भी आप लोगों को कोई कंप्लेंट है कोई ऐसा प्लाटों पर कोई कब्जा कर रहा है कुछ और कुछ माफिया तरीके से कोई काम कर रहा है ऐसे हमको कंप्लेंट दीजिए हम लोग इमीडिएटली इसमें केस बुक करेंगे इंक्वायरी करेंगे और जो भी ऑफेंडर है पक्का उसको जेल में सजा मिलेगी। ये हम गारंटी देते हैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं और भी कोई जो भी इन्हीं के संबंध में जो कोई भी है जिसको किसी भी तरीके की ऐसी कोई परेशानी आई हो तो अभी आके बालापुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं इमीडिएटली उसमें कार्रवाई की जाए। डिग्री कह रहा हूँ जो जो भी कंप्लेंट था जिस तरीके का भी कंप्लेंट था पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दीजिए।